नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में राजस्थान में कौन कहाँ क्या है, तो दोस्तों चलते हैं और जानते हैं राजस्थान के प्रमुख पद पदाधिकारियों के बारे में कौन क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल कौन है। दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल हैं श्री कल्याण सिंह। इसके बाद अगले हैं राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो दोस्तों राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति प्रदीप नंद्रा जोग। इसके बाद अगला है राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री सभी को पता है श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। इसके बाद अगला है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं कैलाश मेघवाल जी। इसके बाद अगला है राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है। दोस्तों उपाध्यक्ष हैं राव राजेंद्र सिंह। इसके बाद अगला है राजस्थान राजकीय मुख्य सचेतक कौन है। दोस्तों इसका आंसर है कालूराम गुर्जर। इसके बाद अगला है राजस्थान राजकीय उप मुख्य सचेतक कौन है। दोस्तों इसका आंसर है मदन राठौर। और अगला है राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता कौन है। दोस्तों प्रतिपक्ष के नेता है रामेश्वर लाल। इसके बाद अगला है राजस्थान विधानसभा के सचिव कौन है। दोस्तों विधानसभा के सचिव हैं पृथ्वी राज। इसके बाद अगला है राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है। राजस्थान के महाधिवक्ता का नाम है नरपत मल लोड़ा। इसके बाद अगला प्रश्न राजस्थान के लोकायुक्त कौन है। दोस्तों राजस्थान के लोकायुक्त का नाम है सज्जन सिंह कोठारी। इसके बाद अगला प्रश्न राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कौन है। दोस्तों पुलिस महानिदेशक हैं ओपी मल्होत्रा। इसके बाद अगला है जयपुर पुलिस कमिश्नर कौन है। जयपुर पुलिस कमिश्नर कौन है, तो इसका आंसर है संजय अग्रवाल जी। इसके बाद अगला है 14वां जोधपुर पुलिस कमिश्नर कौन है। दोस्तों जोधपुर पुलिस कमिश्नर है अशोक कुमार राठौर। इसके बाद अगला प्रश्न राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर है बाबूलाल जाट। इसके बाद अगला है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है, तो इसका आंसर है प्रेम सिंह मेहरा। इसके बाद अगला है राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है। तो मुख्य चुनाव अधिकारी का नाम है अश्विनी भगत। इसके बाद अगला है राजस्थान राज्य मुख्य आयुक्त के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। इसका आंसर है सुरेश चौधरी। इसके बाद अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य सूचना आयोग की सूचना आयुक्त कौन है। सूचना आयुक्त के सूचना आयुक्त कौन है। दोस्तों यहाँ पर यह की हो गया, यहीं के है राजस्थान के सूचना आयुक्त। सूचना आयोग के सूचना आयुक्त तो कौन है, तो उनका नाम है चंद्रमोहन मीणा और आशुतोष शर्मा, यह दोनों हैं। इसके बाद अगला है राजस्थान कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। राजस्थान की कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं बी श्रीनिवास। इसके बाद अगला राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर है प्रोफेसर बी एल चौधरी। इसके बाद अगला है पांचवे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। राजस्थान के पांचवे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर है डॉक्टर ज्योति किरण। इसके बाद अगला है मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है। मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। इसके बाद अगला है मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष हैं वसुंधरा राजे सिंधिया और उपाध्यक्ष हैं सी एस राजन। इसके बाद अगला है राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन हैं, इसका आंसर है श्रीमती वसुंधरा राजे। इसके बाद अगला है राजस्व बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष कौन है। राजस्व बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष हैं बी श्रीनिवास। और अगला है राजस्थान सिविल सर्विस अपीलीय प्राधिकरण जयपुर का अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर है ओम प्रकाश सैनी। इसके बाद अगला है राजस्थान न्यायिक अकादमी के चेयरमैन कौन है। राजस्थान न्यायिक अकादमी के चेयरमैन कौन है, तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति गोविंद माथुर जी। इसके बाद अगला है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड जयपुर के अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर है श्रीमती अल्पना अरोड़ा।
उसके बाद अगला है राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन के प्रबंधक निर्देशक कौन है, जिसके आंसर है कृष्ण कुणाल। दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपका यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।